यह डायग्राम 84 mm रॉकेट लॉन्चर के फायरिंग मैकेनिज्म को दर्शाता है। फायरिंग मैकेनिज्म में काम आने वाले हिस्से पुर्जे के नाम इस प्रकार से हैं: कैम, फायरिंग पिन, शियर नोच, लग, कॉकिंग रड का लग, फायरिंग मैकेनिज्म रड, मेन स्प्रिंग, ट्रिगर शियर, सेफ्टी कैच, कॉकिंग पीस। ट्रिगर मैकेनिज्म की चाल से पहले सीखते हैं सेफ्टी कैच की चाल। सेफ्टी कैच की चाल, सबसे पहले सेफ्टी कैच का पोजीशन एस पर हो तो उस दौरान सेफ्टी कैच का गोल वाला भाग शियर के नीचे रहता है, जिससे ट्रिगर को प्रेस करने से शियर को नीचे आने के लिए जगह नहीं मिल पाता है और लॉन्चर फायर नहीं होता है। सेफ्टी कैच का पोजीशन फायर पर, इस दौरान सेफ्टी कैच का कटा वाला भाग शियर के नीचे होता है। जब फायरर ट्रिगर को प्रेस करता है तो ट्रिगर शियर को नीचे दबने के लिए जगह मिल जाता है और ट्रिगर प्रेस हो जाता है, जिससे राउंड फायर हो जाता है। अब अभी बताऊंगा लॉन्चर की चाल। जब एक फायरर लॉन्चर को कॉक करता है तो कॉकिंग रड आगे की तरफ हरकत करता है। इस दौरान मेन स्प्रिंग फ्रंट कैप में सिकुड़ जाता है। इसी दौरान फायरिंग पिन कैम से नीचे उतर जाता है। जब फायरर कॉकिंग पीस को रिलीज करता है तो मेन स्प्रिंग की ताकत से कॉकिंग रड पीछे की तरफ हरकत करता है। इस दौरान कॉकिंग रड के लॉकिंग लॉग और शियर नोच का मिलाप हो जाता है। कॉकिंग रड पीछे जाने से रुक जाता है और लॉन्चर कॉक हो जाता है। जब फायरर ट्रिगर को प्रेस करता है तो कॉकिंग रड के लॉकिंग लग और शियर नोच का मिलाप टूट जाता है। कॉकिंग रड मेन स्प्रिंग की ताकत से पीछे की तरफ हरकत करता है। इस दौरान फायरिंग पिन कैम के ऊपर पूरा सवार हो जाता है। फायरिंग पिन अपने होल से निकलकर चेंबर वाले राउंड के प्रोपुल्शन कैप पर चोट मारता है और राउंड फायर हो जाता है। ये था लॉन्चर की इच्छा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों।